तो आपको आज देख रहे हैं जॉब नंबर 9। जॉब नंबर 9 में जॉब का नाम है मेक अ टी जॉइंट बाय 1/18 एस डब्ल्यू जी वाई। इस जॉब में जो तार लगाए जाएंगे ना उनका साइज होगा 1/18। हम लोग 1/18 तार के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें क्या किए थे हम लोग, स्ट्रेट जॉइंट किए। अब यहाँ पे टी जॉइंट आ गया है, अब यहाँ पे क्या आ गया, टी जॉइंट। नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है, जब नाम चेंज होगा तो प्रोसेस भी चेंज होगा। अब मटेरियल तो 1/18 का वायरिंग है इसमें भी, उस पहले जॉब में भी 1/18 का वायर था, मटेरियल सेम हो जाएगा। तो मटेरियल रिक्वायर्ड जो हमारा है, मटेरियल रिक्वायर्ड 1/18 SWQ वायर, ठीक है, मटेरियल मेरा वही रहेगा। आज टूल जितना तरह का जॉइंट आएगा लगभग लगभग इसी टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। 7 इंच का क्या था कॉम्बिनेशन को आया, 4 इंच का क्या इलेक्ट्रिशियन टाइप, 0 नंबर का स्टैंड पेपर, 12 इंच का स्टील स्केल, स्टील रूल, 6 इंच का हो जाएगा साइड कटिंग प्लायर। ये मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इतना सा मटेरियल हमको मिल चुका है, अब इसके बाद इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, पहले हम लोग फिगर के जरिए जानेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो फिगर के जब देख लीजिए, एक तार का टुकड़ा लेंगे, एक तार का टुकड़ा ले लिया जिसकी लंबाई 20 इंच है, उसी वायर को दो भाग में क्या किए बांट दिए, बांटने के बाद 10 इंच में बढ़ गया मेरा यहाँ पे जो उसका साइज दिया हुआ है, ठीक है। अब जब टी जॉइंट की बारी आती है तो यहाँ पे तार का छिलना का प्रोसेस चेंज हो जाता है। एक तार को तो हम एक तरफ से 3 सेंटीमीटर उसको हटा देंगे, लेकिन दूसरे जो वायर थे उन्हें क्या करना, बीच से उस तार को बीच से 1-1 सेंटीमीटर लेना, आधा करके 1 सेंटीमीटर ले, सेंटर पॉइंट हो गया ये, इससे हमको 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेना, लेकिन 2 सेंटीमीटर बीच से इंसुलेशन को हटाना है। इसमें क्या हुआ, टी जॉइंट जब भी बनेगा तो बीच से ही हटेगा, सप्लाई क्लोज करते हुए जा रही है, बीच से हमको हटाना है। तो यहाँ पे यदि आप लोग इलेक्ट्रिशियन टायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं कि तार का उनको हटा पाइए, इसीलिए आप लोग का इलेक्ट्रिशियन टायर का यहाँ पे बहुत जरूरी है। विदाउट इलेक्ट्रिशियन टायर इसके गठन को नहीं हटा सकते, ठीक है। अब ये तो हट गया, इसका भी हट गया, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है, इस प्रोसेस से फिर हम चलेंगे। अब क्या एक तार जो टी वाला सीधा उसको सीधा रख दिए, ये तार जो अलग से था स्ट्रेट वाला जो हटाया हुआ था इंसुलेशन, तो इसको इस तरह रखकर ये जो ओपन हटाया हुआ कंडक्टर था इसके इसके ऊपर हमको बैंड करते हुए यहाँ पर ले आना है, ठीक है। इसको मोड़ने के लिए अंगूठा का सहारा लेना, अंतिम उठे हुए भाग को यदि अंतिम उठ गया है तो प्लायर से हमको दबा देंगे, हैंडल फिगर करना, इस तरह बंद रेडी हो गया, समझ गए। अब भी आप इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं, बहुत आसान ये भी है, सबसे आसान जॉब ITI का यही है, सबसे अच्छा सबसे साफ सुथरा बनेगा ये जॉब, देखने में भी अच्छा रहेगा, सबसे साफ रहेगा, ठीक है। एक तार ले लिए हम लोग, उसी तार को दो भाग में क्या किए हम लोग बांटेंगे, तो बांटने के लिए एक आसान तरीका है, इस तरह से बैंड कर लेना है, यहाँ पे कट का निशान हम लोग लगा कर काट देंगे, काट दिए। अब हम बताए हैं आप लोगों को कि प्रैक्टिकल के दौरान कुछ थ्योरी में नहीं होता, प्रैक्टिकल में करना होता है। तो इस तार का पीछे से हम बैंड करेंगे, बैंड नहीं करेंगे तो इंसुलेशन मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो अब टी जॉइंट की जब बारी आती है ना तो एक तार को हमको हटाना पड़ा बीच से, तो उस तार में क्या करेंगे दोनों तरफ मोड़ देंगे, ठीक है, उस तार को दोनों तरफ मोड़ देंगे, ठीक है, उस तार दोनों तरफ मोड़ दिया, बीच से हटाएंगे इंसुलेशन। और क्या एक तार को तो हटाना था साइड से इंसुलेशन, तो उसको एक तरफ भी मोड़ेंगे, ठीक है। मोड़ने के बाद अपने इंसुलेशन हटाने के प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है, हटा दिए, इस तरह से देखिए बहुत मोटा तार है, थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, ठीक है। अब उसका जो दूसरा भाग है ना, इसको हटाने में थोड़ा मशक्कत आप लोगों को लगेगा, तो इसे 20 से हटाना है तो आसानी पूर्वक से 20 से पहले हम लोग हटाएंगे इसे।
कटिंग कहाँ नहीं दिया, नाइट में कटिंग रहता है जिसमें नहीं दिया। ये मेरा अंशुलश्न मेरा हट गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर से आवरण लगा हुआ है, तो उस आवरण को हम लोग मोटे धागे उलट देंगे, तो मोटा वाला धागे से हम लोग साफ कर लेंगे, चिपचिपापन जो होगा वो समाप्त हो जाएगा मेरा, ठीक है। और पकड़ भी बढ़िया बनाएगा, स्लिप रहेगा तो पकड़ अच्छा नहीं बनाता है, घर्षण करने से पकड़ मेरा अच्छा बनाता है। अब मैं छिला के छिलने के बाद ऐसा देखा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा, देखिए इस तरह हो गया ये वाला, ये मोशन इस तरह है ना। अब उसको इस तरह हमको सेट करना है, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये इसको ऊपर से रखना है। ये अभी आपको सिंगल तार है तो एक तरफ से लेके चलेंगे, तो तीन तार आएगा तो बीच में आएंगे, एक इधर एक इधर वाले एक बीच वाला नीचे आ गया। सिंगल तार वाला है तो किनारे से चलेंगे, ठीक है, किनारे से चलेंगे ना, इससे इधर के वाला जाना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से लेके मुड़ना हम चालू करें, ठीक है। सबसे आसान जॉब है ये, ये अंतिम उठे भाग को हम लोग प्लायर से दबा देंगे, ठीक है। ये अंतिम उठे भाग हल्का सा दिख रहा है हमको, इसे क्या करेंगे हम लोग प्लायर से दबा देंगे। अब मेरा ये जो जॉइंट बनकर फाइनली रेडी हो गया टी जॉइंट के लिए, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में। जैसे मान लिया जाए कहीं से सप्लाई क्रॉस करते हुए जा रही है और हमारा घर नीचे की ओर है, हमको सप्लाई चाहिए, तो उस स्थान पे हम लोग इस तरह का जॉइंट बना के अपने घर में सप्लाई ले पाते हैं, ठीक है। तो इस जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। चलिए आप लोग फिगर बना लिए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए तो बनाइए। अब यह हम लोग आपको मटेरियल देंगे प्रिंटिंग, ठीक है। चढ़ गया यहाँ पर कंडक्टर चढ़ा हुआ है इंसुलेशन। चढ़ गया थोड़ा हटा सर इंसुलेशन, कंडक्टर पर चढ़ गया।